भारत के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज अब तक भी खुलकर सामने नहीं आ पाया है। कई लोगों के नाम इस केस में बाहर आए, पर उनकी मौत का असली कारण अब भी महज एक राज ही है। इस केस के पीछे लगी हुई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की टीम को एक नया शख्स हाथ लगा है। नमस्कार, मैं सुषमा चौधरी आज आपके साथ, और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार महाराष्ट्र न्यूज। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने शुक्रवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गोवा के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। ड्रग पेडलर की पहचान हेमल शाह के रूप में की गई है। इसे आज अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। पिछले महीने NCB ने दिवंगत अभिनेता की मृत्यु के सिलसिले में मुंबई मलाल परेल और संतरा कुंज में कई स्थानों पर छापेमारी करने के बाद दो ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया था। एजेंसी ने गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से ड्रग्स भी बरामद किया था। NCB जो अभिनेता की मौत के मामले में ड्रग्स के कोण को जांच कर रहा है, ने प्रवर्तन निदेशालय ED से आधिकारिक संचार प्राप्त करने के बाद जांच शुरू की। ED को दवा की खपत, खरीद, उपयोग और परिवहन से संबंधित विभिन्न चैट हाथ लगे थे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुंबई NCB ने गोवा के एक ड्रग पेडलर हेमल शाह को गिरफ्तार किया। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। ED ने पिछले साल 31 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह द्वारा 28 जुलाई को बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दायर करने के बाद दिवंगत अभिनेता की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई स्थित आवास पर मृत पाए गए थे। सुशांत सिंह राजपूत का केस खुलने के बाद बॉलीवुड पर काले बादल छा गए थे। एक एक करके NCB काफी सितारों से पूछताछ कर रही थी। उस समय काफी सितारों ने खुद को सोशल मीडिया से भी अलग कर लिया था। सुशांत से जुड़ी यादें उनकी बहन अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। अब इंतजार है तो बस इस बात का कि आखिर इस पहेली का हल निकल पाएगा या फिर ये महज एक पहेली बनकर ही रह जाएगी। महाराष्ट्र से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल स्टार महाराष्ट्र को।